ठीक है सर क्या बोल रहा है ना पहले आधा क्वेश्चन पढ़े उसको समझते हैं बोला सर कि एक टावर है ठीक है सर एक टावर है खड़ा कर देते हैं टावर को ये हमारा एक टावर है ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं बना फिर भी ये क्या है मानना है आपको कि सर स्ट्रेट ही है ठीक है ना चलिए अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट है।, है ना ये हमारा मान लीजिए टावर है कोई नाम दे देते है? क्या नाम, दे दे सर? नाम दे दे देते सर ए और बी नाम देते थे ठीक है हाँ अब क्या बोल रहा है ना कि इसके बेस से टावर के बेस से दो पॉइंट्स है एक है फाइव मीटर पे एक है ट्वेंटी मीटर पे और वो क्या है स्ट्रेट लाइन में है मतलब एक ही साइड है ऐसा नहीं करना है, एक इधर पांच सेंटी पांच मीटर बना दिया इस साइड बीस मीटर बना दिए ऐसा नहीं करना है स्ट्रेट लाइन में हमको बोला हुआ यह एस टी का मतलब स्ट्रेट है मैंने शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि स्पेस कम है 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 सर आप लोगों को तो तो दुख पता ही है। है ना हाँ। तो देखिए ये यहां से हम लोगों ने मान लिया कि ये पॉइंट है क्या नाम दे दे इसका ये थोड़ा और बराबर आता है नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा ना अपना यहां पे बनाते हैं सी नाम दे देते दे हैं इसका ठीक है हाँ ये हमारा पॉइंट सी हो गया जो कि कितनी दूरी पे है सर फाइव मीटर की दूरी पे है ठीक है कहां से फाइव मीटर की दूरी पे है सर बेस ऑफ द टावर से ठीक है हाँ टावर भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है हाँ सर क्यों सर क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है है ना और कोई बात ही नहीं है अब दूसरा क्या है ट्वेंटी मीटर की दूरी पे, ये हमारा फाइव मीटर है अगर है ना और ये हमारा 20 मीटर अगर हो गया तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर ये पॉइंट हो जाएगा सी और ये पॉइंट हो जाएगा डी देखिए सर पॉइंट का नाम देते चलिएगा ना और जो जो बोला है वो करते रहिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर कुछ भी नहीं है अब देखिए सर क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना मतलब देखिए यहां से यहां से और ये जो टॉप ऑफ द टावर दोनों मिल रहा है ये देखिए ये लाइन ये वाला जो लाइन है ये कभी कैसा लाइन था ये लाइन स्ट्रेट लाइन था ठीक है इस लाइन को एलिवेट किया गया उठाया गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ठीक है सर यानी कि ये लाइन जो नीचे था वो कितना उठा है उसी को तो हम एल, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ठीक है और बोलता है ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल्स क्या है एक दूसरे के सर कंप्लीमेंट्री है ठीक है समझ में आया ठीक है सर समझ में आ गया होगा अब देखिए ये भी हमारा क्या स्ट्रेट लाइन ही है पूरा ठीक है तो देखिए यहां पे कितने ट्राइंगल्स बन गए सर दो ट्राइंगल्स बन गए। और दोनों क्या है सर? 90 डिग्री है ठीक है अब देखिए हमको लॉजिक कहां लगाना है सर मैजिक कुछ नहीं है सब चीज लॉजिक है देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता करना पड़ेगा क्या बोला सर कि ये मान लीजिए एक्स है एक्स और वाई दोनों को जब हम प्लस करते हैं ना तो वो क्या आता है 90 डिग्री आता है ठीक है समझ में आया हाँ अब देखिए y x इधर प्लस में इधर में यानी कि y इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री माइनस एक्स क्या रिलेशन निकाल लिए सर? कि अगर ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल हमारा क्या होगा सर ये होगा 90 डिग्री माइनस एक्स होगा सर समझ में आया बिल्कुल आ रहा होगा कुछ है ही नहीं सर समझने लायक कुछ है ही नहीं बस देखिए अब अब क्या करना है अब हम लोगों को एंगल्स पता लग गए ठीक है और बेस भी पता है सर यही तो हमारा बेस है है ना सर क्यों बेस है सर क्योंकि देखिए ये दोनों हमारे ठीठाज हैं दोनों एंगल्स गिवन है एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ये वाला साइड ये वाला साइड हमारा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है ठीक है मतलब मानना नहीं है ये बस मैंने बत, मैं बता रहा हूं आपको ठीक है और नीचे वाला एडजेसेंट साइड हमारा बेस होता है बेस गिवन है परपेंडिकुलर निकालना है हाइट ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ही तो निकालना है ना तो क्या हो जाएगा सर ये क्या हो जाएगा यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी लगेगा सर परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा होता है टेन थीटा. है ना हाँ तो देखिए अब मान लेते हैं जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया देखिए फिगर में ही है सब कुछ अगर फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है है ना हाँ तो मानते हैं क्या लेट ए बी बी द टावर हमारा टावर क्या है सर ए बी हो गया ठीक है एंड और क्या है हमारे पास बीसी एंड क्या बी डी बी डी बी द टू पॉइंट ठीक है हमारे पास दो पॉइंट भी आ गए तो यहां से हमको गिवन क्या आ गया कि बी सी इज इक्वल टू कितना है फाइव सेंटीमीटर है, है ना एंड बी डी इज इक्वल टू कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर गिवन है ना सर हाँ सर मीटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर जो था क्वेश्चन में वो बना दिया और कोई कुछ किया ही नहीं है ना अब फ्रॉम ट्राइंगल अगर हम देखें क्या सर एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ए बी सी इस ट्राइंगल में आपको क्या दिखेगा इस ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा

मतलब कोई भी आपको मारेगा नहीं सर ठीक है हाँ अब ए बी जो हमको निकालना है और बी सी क्या है सर बी सी हमारा है क्या है सर बताइए ना 5 सेंटी 5 मीटर तो 5 लिख दिए अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई में यानी कि ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 10 एक्स आपका वैल्यू आ जाएगा ए बी का अब आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा वैल्यू आ गया इसका तो यूज कहां है सर देखिए इसका यूज कहां पे करेंगे अब आप अगर एक चीज देखें कि हम लोगों ने इस वाले ट्राइंगल से एक इक्वेशन एक निकाल लिया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया ठीक है हाँ अब अगर हम दूसरे ट्राइंगल सेकंड से इक्वेशन निकाल लें तो दोनों को इक्वेट करके या फिर कुछ तो करके मतलब वैल्यू तो आएगी ना सर बिल्कुल आएगी क्योंकि इसमें भी ए बी है उसमें भी ए बी ही होगा है ना क्यों सर क्योंकि परपेंडिकुलर तो सेम ही है ना हमारा दोनों ट्राइंगल का हाँ सर नाउ या अगेन कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है अगेन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल हमको लेना पड़ेगा सर ए बी डी है ना अगर हम लोग छल A, B, लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है फिर से देखिए क्योंकि बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है ठीक है हाँ अब देखिए बेस हमारा क्या हो जाएगा बी और डी हो जाएगा बी डी क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखे या नहीं लिखते हैं चलिए बी डी और ऊपर क्या हो जाएगा ए बी अब टेन थीटा क्या है सर टेन थीटा है हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स क्यों सर क्योंकि ये टेन थीटा नहीं है ये हम क्या ले रहे हैं टेन सी ये जो हमारा थीटा था ये था हमारा टेन सी था देखिए ये एंगल ले रहे थे ये क्या था एक्स था एक्स रख दिए अब ये हमारा टेन थीटा क्या है ये हमारा टेन डी है सर ठीक है ना हाँ सर और यही का वैल्यू हम लोगों ने नाइनटी माइनस एक्स रख दिया अब ए का वैल्यू पता है क्या नहीं पता ए बी का वैल्यू तो A, B को ए बी रहने देते हैं बी डी बी डी का वैल्यू अब देखिए क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर अब देखिए एक चीज आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने इंट्रो वाली वीडियो में एक पढ़ा था फॉर्मूला कि टेन नाइन्टी माइनस थीटा टेन नाइनटी माइनस एक्स क्या होता है सर टेन नाइनटी माइनस थीटा होता है कॉट थीटा है ना सर अब देखिए ट्वेंटी मल्टीप्लाई में तो कॉट कॉट थीटा to, क्या? थीटा इज़ इक्वल क्या नहीं एक्स है तो कॉट एक्स इज इक्वल टू ए बी तो देखिए यहां पे ए बी का वैल्यू आ गया ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ठीक है और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या सर कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट है है ना अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ये 10 थीटा, ये 1 10 थीटा थीटा है ना तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और हमारा वैल्यू आ सकता है है ना तो देखिए सर क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू ठीक है सर अब हम इक्वेशन वन एंड टू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है तो देखिए यहां पे ए है इधर ठीक है उधर भी इज इक्वल टू में ए बी है तो ए बी इन ए बी हो जाएगा सर कोई दिक्कत इसमें नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं ये फाइव है या ट्वेंटी है तो फाइव इंटू ट्वेंटी हो जाएगा सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर दिक्कत कहाँ है टेन एक्स कॉट एक्स देखिए सर अगर हम टेन एक्स लिखे और कॉट एक्स को क्या लिखे वन बाय टेन एक्स तो कोई दिक्कत होगा सर Osionfish. नहीं सर कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल ही तो होता है तो ये टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और वन बन जाएगा और यहां क्या हो जाएगा ट्वेंटी और हंड्रेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा हंड्रेड और इधर ए बी इंटू ए बी क्या होता है ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा सर तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर हंड्रेड इज इक्वल टू टेन मीटर आपका आंसर आ जाएगा सर यानी कि हमारा ए बी का वैल्यू हाइट ऑफ द टावर का वैल्यू क्या आ गया सर बताइए सर हमारा आ गया क्या टेन मीटर आ गया ठीक है hence, लिख दीजिएगा यहां पे हैंस ए बी इज इक्वल टू या फिर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू टेन मीटर चलिए ये था हमारा फोर नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे